इतनी बड़ी सूरत लूट डाली, मराठे अब भी शांत नहीं हुए, अब आए महाराष्ट्र में वापस, अक्टूबर में लूटा, अक्टूबर में वापस आए, फिर एक युद्ध हुआ आते आते डिंडोरी के पास में, वहां से वापस आए, नवंबर का महीना आया, शिवाजी महाराज बोले अब फिर से लूट करेंगे, बोले अब क्या लूटना है, बोले देखो भले कुछ मिल रहा है क्या, बोले बुरहानपुर जाएंगे, बोले नहीं 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 बुरहानपुर नहीं जाएंगे, बोले बुरहानपुर में जसवंत सिंह बैठा था, बोले अपने को जीतने देगा, बहादुर डेंजर, वो डेंजर था, थोड़ा बहुत डेंजर था वो, बोले ये नहीं जीतने देंगे बोले अपने को। तो बुरहानपुर के बाजू में एक बहादुरपुर करके जगह थी, शिवाजी महाराज बस वहां पे गए, छापा मारा और वापस आए। और मोरोबंद पिंगले जो पेशवे है वो उस समय पे खानदेश में थे, खानदेश और बालगान के पास में वो छापे मार रहे थे, शिवाजी महाराज वहां पे थे, शिवाजी महाराज ने यहां पे बहादुरपुर में छापा मारा। और शिवाजी महाराज को पता थी विदर्भ में कारंजा करके एक जगह है, हमारे विदर्भ में कारंजा करके एक जगह है, तो ये एमपी से सीधा कारंजा नीचे आता है, वो एकदम ये नहीं है अकोला के थोड़ा और आगे जाना पड़ता है तुम लोगों को, तो सीधा घुसे कारंजा में। और कारंजा बहुत बहुत अमीरों का शहर, उस समय पे बहुत बड़ी बस्ती थी वो, लोग क्या करते थे अपने पैसे वैसे निकाल के औरंगजेब को जो बोला औरंगजेब को दे देते थे। और वहां से बाजू में मूर्तिजापुर करके आता है, सीधा सीधा उसको जाके दे देते थे। शिवाजी महाराज गए, और कारंजा के बारे में इतनी बात फेमस है कि वहां पे कुछ वाड़े ऐसे है बोले कि वहां पे जब मिट्टी का लेप लगाया जा रहा तो मिट्टी के लेप में कस्तूरी मिला के लगाई गई। लोग बोलते बोले ये वाले जो वाड़ा है, ये वाला जो घर है, उसको पहले के समय में कस्तूरी का सुगंध आता था, इतनी फेमस थी वो। और लाड़ कारंजे, लाड़ कारंजे यानी कि उसकी बहुत लाड़ प्यार से बनाया हुआ, और लक्ष्मी का निवास स्थान करके उसको कारंजा बोला गया, क्योंकि वहां पे बहुत पैसा था, बहुत धनिक लोग थे वहां के। शिवाजी महाराज ने मारा छापा छप्प से बिल्कुल, दो तीन दिन वहां पे लूट, मुगलों को जो कौन कौन पैसा दे रहा है बोले मुगलों को, बोले लूटो इनको, जो पैसा देगा उसको लूटेंगे, और गलत क्या है यार, अभी तक ये मुगल लूट के तुमको ले जाते थे, हमारे मंदिर तोड़ रहे, हमारे बेटियों पे अत्याचार कर रहे, शिवाजी महाराज बोले हम तो लूटेंगे। और शिवाजी महाराज ने कारंजा जलाया नहीं, सूरत दो बार जला डाली, पहली बार भी गए तब भी जलाई, दूसरी बार भी जलाई थी, इस बार नहीं जलाई, कारंजा पूरा लूटा। और कारंजा से लूटने के बाद शिवाजी महाराज ने घोड़े पे लगाम लगाई, खट 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 ठक 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 ठक, और वहां से शिवाजी महाराज सीधा निकले सालेर, और यहां से बालगंज से मोरोबंद पिंगले भी निकले, दोनों गए सालेर के किले के ऊपर, सालेर का किलेदार वहां से भग गया, और शिवाजी महाराज ने किला अपने अंडर में ले लिया। और ये जो सीजन चल रहा था इस समय पे, ये जनवरी का नियर अबाउट टाइम आ चुका था, मतलब नवंबर दिसंबर दो तीन महीने में ये काम जब चल रहे थे, वहां पे पहले छापा मारा इन्होंने कारंजा में, कारंजा के बाद सालेर पहुंचे, और उसी के आसपास के एरिया में दाऊद खान कुरैशी था, उसको जब पता चला शिवाजी महाराज सालेर आ रहे या फिर सालेर में अटैक होने वाला है, उसको अपने डिंडोरी का बदला लेना था, तो सालेर पे जा रहा था, लेकिन सालेर उतने हाथ में इन लोगों के हाथ से चले गया। यहां से आए शिवाजी महाराज और अपने छावनी में राजगढ़ वाजगढ़ के पास में चले गए। अब यहां से कहानी थोड़ी सी रुख पलटती है। शिवाजी महाराज ये सब जो कर रहे थे, तो शिवाजी महाराज ने आगरा में छापा मार दिया, अफजल खान को फाड़ दिया, उसके बाद में यार बोले इतने बड़े बोले शाइस्ते खान की उंगलियां काट डाली, पूरे भारत भर में शिवाजी महाराज की खबरें फैल रही थी, पूरे भारत भर में। ये खबरें छत्रसाल बुंदेला को भी पता चली। अभी छत्रसाल बुंदेला कौन है, इनकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं, बैक ऑफ में जाते हैं। 1649 में बुंदेलखंड जो एक राज्य आता है, यूपी और एमपी कंबाइन है, एमपी का बड़ा हिस्सा है, यूपी का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन एमपी का बड़ा हिस्सा आता है, इनका जन्म वहां पे हुआ। बुंदेला ये जो शहर है काफी जोरदार, एक से एक क्षत्रिय वहां पे पैदा हुए, एक से एक हीरे हीरे, और वहां पे हीरो की खदान है। तो ताजमहल जब बनाया गया तो ताजमहल को बनाते वक्त वहां से शाहजहां ने हीरे लेके गए, ऐसे बोलते हैं, वो हीरे वहां पे लगे हुए हैं। और सिर्फ वही हीरे नहीं, आदमी भी वहां पे हीरो के पैदा हुए हैं, हीरो जैसे आदमी, इंद्रमन बुंदेला, सुजन सिंह बुंदेला, ऐसे कई बुंदेलों के नाम वहां पे बहुत फेमस है। लेकिन दिक्कत क्या थी, सारे के सारे मुगलों के दरबार में काम करते थे, हमारे मराठे भी काम करते थे ना यार, तुम इसको उसको क्या बोलोगे, अपन लोग भी तो काम करते थे ना,
जाधव कहां पे काम कर रहे, आदिल शाह में काम कर रहे। फिर जाधव का और भोसले का हत्ती प्रकरण से झगड़ा हुआ, उसके बाद जाधव चले गए मुगलों के पास में, शाहजी राजे निजाम के पास में। शाहजी राजे ने सबसे पहले कोशिश की सेपरेट कराने की, सक्सेसफुल हुए नहीं हुए, फिर भी सारे के सारे कहां से वहां पे। अफजल खान को मारने आ रहे तो अफजल खान के साथ में कौन आ रहे, अफजल खान के साथ में उनका वकील बन के कृष्णा भास्कर कुलकर्णी आ रहा, और कृष्णा भास्कर कुलकर्णी के साथ में आ रहे सारे के सारे मराठे जा रहे, मोहिते, मोहिते के बाद में घोरपड़े, घोरपड़े शिवाजी महाराज का कजिन चाचा आ रहे यार। शिवाजी महाराज ने अपना इंडिपेंडेंट जागीर निर्माण किया, बाकी के पूरे भारत भर में राजा तो बन रहे थे, लेकिन ये सारे के सारे अपने ही बाप दादाओं की इस पे बैठ रहे थे, अपनी खुद की जागीर निर्माण करके मुगलांच्या साम्राज्यात एक हिंदू राजा होने ही कोई छोटी बात ना होती, कि मुगलों के और ये सारे यवनों के आजू बाजू में साम्राज्य होने के बाद भी उसमें एक हिंदू राजा होना छोटी बात नहीं थी। ये छत्रसाल को पता चला, छत्रसाल बुंदेला राजा, उनको ये बात पता चली 1649 में जन्म है उनका। चंपतराय बुंदेला, ये चंपतराय बुंदेला बुंदेला के राजा है। शाहजहान ने उस समय पे बुंदेला के कुछ स्त्रियों के साथ शादी की, ऐसा उल्लेख आता है, और जिनसे नहीं कर पाए उनके ऊपर जबरदस्ती करी है, जबरदस्ती उठा के लेके गए बुंदेला से। यह बात चंपतराय को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और जिस समय पे औरंगजेब ने शाहजहान पे आक्रमण किया तो औरंगजेब ने बुंदेला से मदद मांगी और चंपतराय ने उनको पूर्णतः मदद कर दी, 11,000 की फौज भेजी, बोले अटैक, बिल्कुल अटैक, पूरी आक्रमण हो गया और औरंगजेब जीत गया। शाहजहान के विरुद्ध औरंगजेब जीता, दाराशिकों के अगेंस्ट औरंगजेब जीत गया, और यह जीतने के बाद में उसने एक साल के लिए मनसबदारी दी, और मनसबदारी देने के बाद चंपत राय जी का यह कहना था कि मेरे को बुंदेला इंडिपेंडेंट चाहिए। चंपत राय जी ने कहा मेरे को इंडिपेंडेंट चाहिए और मैं अपना स्वराज्य, मैं अपना साम्राज्य खुद चलाऊंगा। और यह बात जानने के बाद एक साल तक औरंगजेब ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक साल के बाद औरंगजेब ने दगा दे दिया, उसने बुंदेला पे सेना भेज दी, वहां पर युद्ध हुआ, और युद्ध करते करते 1661 की बात है ये, नियर अबाउट, और कई सालों तक वो संघर्ष था, और 1661 में चंपत राय वहीं पे गुजर गए। अब इस समय पे छत्रसाल जी की उम्र कितनी है, छत्रसाल राजा जी की उम्र है तकरीबन 12 साल के है वो, 5 भाई है ये, इसमें सबसे बड़े है ये 12 साल के, इनसे छोटे छोटे भाई है, और ये सबसे हुशार, सबसे जबरदस्त। जिस समय पे मिर्जा राजे महाराष्ट्र में चढ़ाई करके आए हैं 1665 में, उस समय पे इनकी उम्र 16 साल है। इनको पता चला मिर्जा राजे आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए, इन्होंने भी सुना था 1665 के पहले कि कोई तो एक राजा है, अफजल खान उड़ा दिया यार, बोले उसने उंगलियां काट दी, बोले दक्कन में, बोले शिवाजी, और मिर्जा राजे चढ़ाई करने जा रहे, बोले तो छत्रसाल जी ने एक बार डिसाइड कर लिया, बोले मैं भी जाऊंगा, बोले इनके साथ में, इन्हीं के साथ में रहूंगा, बोले मिर्जा राजे जयसिंह के बाद, मिर्जा राजे जयसिंह भी बहुत शूर है, उनके भी चर्चे बहुत है, बोले मैं इनके साथ में जाऊंगा, दक्कन पे चढ़ाई करूंगा। वो गए दक्कन में, उन्हीं के साथ गए, और पुरंदर की लड़ाई में ये लड़े हैं वहां पे। लेकिन क्या है, मुगलों की हमेशा से आदत, गलती हुई तो हिंदू राजाओं पे डालना, और पराक्रम दिखा तो अपने इसमें लेना। छोटे 16 साल के छत्रसाल पुरंदर की लड़ाई में वहां पे लड़े, लेकिन इनके शौर्य को किसी ने वहां पे देखा भी नहीं। ठीक है, अब समय बीतते गया, और समय के साथ में बुरहानपुर में मिर्जा राजे जी की डेथ हुई, और मिर्जा राजे जी की डेथ होने के बाद में ये छोटे से छत्रसाल जो है वो दिलेर खान के साथ में रह रहे वहां पे, और दिलेर खान का और मुअज्जम का जिस समय झगड़ा हुआ उस समय पे ये दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली में रहने के बाद भी इनको खबरें आ रही कि भैया शिवाजी महाराज तो इन्होंने, ये जो अभी हमने देखा जो आगरा से भागने के बाद जो रिवेंज स्टोरी चल रही, इनके किस्से बहुत सुनते थे, तो इनके दिमाग में हमेशा से चलते रहता था, बोले यार किसी दिन शिवाजी महाराज से मिलना है। दिलेर खान वहां पे थे दिल्ली में, दिलेर खान के साथ में छत्रसाल थे, छत्रसाल जी वापस आए, दिलेर खान को एक कामगिरी दी गई, बोले तुम्हें गोंड राजा के खिलाफ जाके लड़ना है, गोंड यानी कि वराड़ी, नागपुर का जो पट्टा है वो गोंड राजा के अंडर में था, बोले इनके खिलाफ जाके तुमको युद्ध करना है।
उस युद्ध में दिलेर खान के साथ में छत्रसाल जी भी गए और खतरनाक लड़े और भयंकर जख्मी हुए। और दिलेर खान ने हम जीत गए ये बात भेज दी औरंगजेब को, लेकिन उस पत्र में कहीं पर भी छत्रसाल जी का एक नामो निशान नहीं था, नाम तक नहीं था। सारी जित्ती वाहवाही हुई तुर्कों की हुई। ये बात सुन के इनको इतना बुरा लगा, बोले साला अपन किसके लिए जी रहे, ये तुर्कों के लिए, जान दे प्राण दे सब दे, पूरा निष्ठावान होके इनके लिए जी रहे हैं, ये हमें देते क्या है और बदले में हमें क्या मिलता है, हमारा स्वतंत्र किसके हाथ में, इनके हाथ में, चाकरी किसकी इनकी, नौकरी किसकी इनकी, अरे थू नहीं करेंगे हम इनकी नौकरी, छू थू थू। सुना है मैंने स्वराज्य में कोई राजा है छत्रपति शिव, छत्रपति तो उस समय डिग्री नहीं मिली थी, सुना है मैंने दखन में कोई राजा है शिवाजी नाम है उसका, संपूर्ण शिव सा तांडव करके रखा है उसने मुगलों के ऊपर, मैं जाके मिलूंगा उनसे। और दिलेर खान की छावनी में गए, दिलेर खान से कहा, बोले राजा जी, बोले हम बोले शिकार करने जा रहे हैं, ठीक है ले जाओ शिकार करने जाओ। और बस मौका देखा, मौका देख के दिलेर छत्रसाल ने घोड़े पे लगाई टाप, अपने कुछ दोस्तों के साथ इन्होंने बस टाक 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 भीमा को भीमा क्रॉस की, और भीमा क्रॉस करके पुणे के सरहद में आ गए। कंटिन्यूसली 15-20 दिन 20-25 दिन कंटिन्यूसली चले जा रहे, खाने पीने का कोई लोड नहीं है, बीच में जो मिल रहा है वो खा रहे, किसी गांव में रुक रहे गांव में रुक के खा रहे, कंटिन्यूसली चले जा रहे। भीमा क्रॉस की, पुणे आए, पुणे क्रॉस किया और आए शिवाजी महाराज के छावनी के पास। और शिवाजी महाराज को बात पता चली, बोले बुंदेला छत्रसाल आए। बोले शिवाजी महाराज को सब ज्ञात था कि औरंगजेब ने बुंदेला को किस तरह से खाया है, क्या सुवर्ण क्षण रहा होगा यार। मेरे को सुनते वक्त मैं जब पढ़ा मेरे को इतनी खुशी हुई, पता नहीं क्यों हुई। तो एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा की प्रेरणा लेके आ रहा है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हम सिर्फ लड़ते रहे एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहे। आज भी हम जातियों में ही बटे हुए हैं, ये क्षत्रिय, ये राजपूत, ये दलित, ये वैश्य, हम उच्चा तुम नीचा, हमको अधिकार, अरे भाड़ में गया तुम्हारे अधिकार। व्यक्ति पैदा हुआ है उसके कर्तृत्व और कर्मों के अनुसार उसको ज्ञान और मान मिलेगा ना यार, तुम कैसे डिसाइड कर रहे कि तुम उच्चा वो नीचा। बोले हम इस जाति के, हम फलाने जाति के, लिखवा के आया था क्या तू ऊपर से, भगवान ने तुम्हारे हाथ में तलवारें दी थी इसलिए तुम क्षत्रिय हो, कि भगवान ने तुम्हारा जनेऊ करके तुम्हारा भेजा था इसलिए तुम ब्राह्मण हो, भगवान ने तुम्हारे हाथ में नोटा भेजे थे इसलिए तुम वैश्य हो, जन्मना आए थे शूद्र, हर व्यक्ति शूद्र है जन्म से, फिर उसका कर्म डिसाइड करेंगे कि वो क्या करेगा। जन्म से हर व्यक्ति सनातनी होता है, सनातन का मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है सनातन का, जिसका ना कोई शुरुआत है जिसकी ना कोई अंत है, जैसे आत्मा है जैसे ब्रह्म है वैसे आप हो, आपको आपके जिंदगी का मकसद ढूंढना है, इसीलिए उसे सनातनी कहा जाता है। हिंदू नाम भी मैं बहुत बार इस्तेमाल नहीं करता, आजकल हो जाता है लेकिन मैं नहीं करता था, मैं सनातनी ज्यादा शब्द यूज इस्तेमाल करता हूं। ये राजा आए मिलने, बड़ी खुशी, इतिहास का सुवर्ण क्षण, मुझे डबल खुशी। ये पढ़ते वक्त 19 साल का अंतर है दोनों के जिंदगी में। छत्रसाल जी मिलने आए और शिवाजी महाराज को ज्ञात था कि छत्रसाल जी के साथ बुंदेला में क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटित हुआ है। मिलने आए, मिले और उन्होंने राजा को गले लगाया, नमस्ते किया, राजा जी ने भी गले लगाया, बोले नमस्ते, पहले बोले आइए बैठिए बैठिए छत्रसाल जी, आप आए हो इतने दूर से आए हो, बताइए क्या नियोजन। बोले राजा जी हम इन मुगलों की चाकरी कर रहे हैं, हमसे नहीं होता ये सब, आप कृपया करके हमारे साथ आप बुंदेला आइए, हमें हमारा पूरा बुंदेला स्वतंत्र करके दीजिए और आप ही वहां पे हुकूमत कीजिए। शिवाजी महाराज उस समय पे चाहते तो बुंदेला को और छत्रसाल को अपनी नौकरी में रख सकते थे, बुंदेला भी आ जाता। महाराज को जागीर और बड़े बड़े इसकी आशा नहीं थी। शिवाजी राजे चाहते थे कि समस्त हिंदुस्तान में हमारा राज्य हो। और शिवाजी महाराज ने कहा मैंने तुर्कों के खिलाफ तलवार खड़ी की है, यदि ये तुर्क हाथी है तो याद रखना छत्रसाल जी आप बाघ है, आप सिंह है, इनसे कभी डरना नहीं, जाओ जाके स्वतंत्र करो अपने साम्राज्य को,
मेरे पीछे जैसे मां भवानी खड़ी है उसी तरह से आपके पीछे श्री कृष्ण खड़े हैं। श्री कृष्ण की नीति अपनाओ। हमारी गलती यही है ना कि 12वीं सदी के बाद में हमने सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लिया, हरे राम हरे कृष्ण हरे। अब मैं बोलूंगा तुमको बुरा लगेगा, तुमको लगेगा भक्ति मार्ग का अपना ये होता है। अरे भाई भक्ति मार्ग ठीक है, क्रांति भी करनी पड़ती है ना। अघोरियों ने अपने हाथ में तलवार उठाई है काशी पे जब औरंगजेब ने आक्रमण किया, नाथपंथियों ने, तुम नहीं कर सकते। नहीं हमको तो यही पढ़ाया हरे राम हरे कृष्ण की भक्ति। शंकराचार्य जी ने कहा था ज्ञान दैव तु कैवल्यम, ज्ञान की उपासना करके आपको आपको मुक्ति की तरफ जाना है। मैं आपको लिख के दे रहा, 12वीं शताब्दी के बाद भारत में एक भी इन्वेंशन नहीं है, मैथमेटिकल इन्वेंशन नहीं है, मैथमेटिकल फाइंडिंग नहीं है। जाओ जाके ढूंढो, मैं चैलेंज कर रहा तुमको। वेरी लेस नेग्लिजिबल जितनी भी फाइंडिंग हुई है 12वीं शताब्दी के पहले हुई है। तो तुम ये कह ही नहीं सकते कि 12वीं शताब्दी के बाद हम क्यों, हमारे ऊपर आक्रमण हुए इसलिए हम बहुत सी चीजें भूल गए। अरे भैया तुम भक्ति मार्ग में इतने लीन हो गए कि ज्ञान मार्ग की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। नाम जपना नाम जपना कब करोगे, आक्रमण कब करोगे? कृष्ण नीति क्या होती है तुम भूल ही गए। कुछ ही लोग लड़ रहे हैं। तुमको यह बात जान के बहुत ताज्जुब होगा, जिस समय पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था उस समय पे उनको इतना क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि एक तो उन्होंने संस्कृत का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने यूज की हिंदी अवधी भाषा, और साथ ही साथ उन्होंने कृष्ण पे नहीं लिखा, कृष्ण वॉज मोर फेमस, उन्होंने लिखा राम पे। अब तुमने कृष्ण को क्या समझा, रासलीला करने वाला, बस वही तक समझा। कृष्ण की नीति तुमने ली नहीं ना यार। श्री कृष्ण इतने औरतों के साथ डांस कर रहे, इतने स्त्रियों के साथ डांस कर रहे, तो हम भी कितनी शादियां क्यों नहीं करेंगे, यही चीजें तुम समझ रहे थे अभी तक। कृष्ण की नीति वाले पार्ट पे तुमने अवलंब ही नहीं किया। श्री कृष्ण का क्या लेना चाहिए तुमने लिया नहीं। तो तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस ताकि लोगों का कैरेक्टर बने, एक कैरेक्टर पर्सन वहां पर चाहिए था। चरित यानी कि चरित मानस यानी कि तालाब। और उसी तरह से महाराष्ट्र में रामदास स्वामी ने जब लिखा दासबोध, दासबोध क्या है? रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु है क्या? नहीं। दोनों को कभी मिलना हुआ है क्या? नहीं। रामदास स्वामी ने भी नहीं कहा है और इन्होंने भी नहीं कहा है। अब कुछ लोग उसका उल्लेख देंगे लेकिन कोर्ट में भी ये केस चली तो पेश नहीं कर पाए। हाँ लेकिन शिवाजी महाराज को कई सारे लेटर मिले हैं, यह बात सत्य है। शिवाजी महाराज के ऊपर कई सारी चीजें लिखी गई है रामदास स्वामी ने, यह भी सत्य है। निश्चयाचा महामेरु बहुत जनांसी आधारु अखंड स्थितिचा निर्धारु श्रीमंत योगी। और इसके वजह से रामदास स्वामी की कोई प्रतिमा नीचे नहीं जाती कि शिवाजी महाराज वो उनके स्पिरिचुअल गाइड थे। शिवाजी महाराज को समय समय पर लेटर लिखते रहते थे और शिवाजी महाराज ने भी बहुत बार आदर भाव दिया है उनको। संभाजी महाराज भी जानते थे, संभाजी महाराज की भी बहुत जगह पर उन्होंने उल्लेख किया है उनका। तो अब इस बात को समझो, जब दासबोध लिखी गई तो दासबोध में उन्होंने राम का उल्लेख किया और वो जो राम का उल्लेख उन्होंने किया है समर्थ रामदास ने, वो नॉर्मल राम नहीं, हरे राम हरे कृष्ण भक्ति वाला राम नहीं, वो कुदंडधारी राम है। कुदंडधारी राम यानी क्या होता है? कुदंडधारी राम यानी कि जो उग्र राम है, जो चिड़ा हुआ राम है, जो तुम्हें दंड दे सकता है। और अगर आप देखोगे तो ये मेरे को कंफर्म नहीं, लेकिन एक बार फिर से आप एक बार देख लेना, जब भी वारकरी संप्रदाय में दिंडी निकलती है ना, किताबों की दिंडी होती है हमारे यहां पे, उसमें दासबोध नहीं रखा जाता, क्योंकि दासबोध एक तरह से उग्र है और सामाजिक किताब, भक्ति पे चलने वाली किताब नहीं, वो सामाजिक किताब, समाज पे किया हुआ तर्क है वो कि समाज किस तरह से चलना चाहिए, ये दासबोध में लिखा है। छत्रसाल बुंदेला आए हैं महाराज को मिलने और महाराज ने कहा है कि आप जाइए, आप शेर है, आप जाके अपना साम्राज्य बनाइए। और छत्रसाल बुंदेला प्रेरणा लेके शिवाजी महाराज से वापस गए अपनी जगह पे। क्या प्रेरणा रही होगी? और छत्रसाल बुंदेला ने अपना साम्राज्य फिर से स्थापित करके वहां पे स्वराज्य निर्माण किया है। स्वराज्य यानी जरूरी नहीं है कि उसका राजा शिवाजी होगा, जरूरी नहीं उसका राजा संभाजी होगा, जरूरी नहीं शिवराय बैठे या शंभूराय बैठे। यदि आप अपने आप को समझ सकते हो, अपने इंडिपेंडेंस को महत्व दे सकते हो, स्वराज्य है। इसीलिए लोकमान्य टिळकर ने स्वराज्य का नारा दिया था। और सिर्फ लोकमान्य टिळक ने स्वराज्य का नारा नहीं दिया, झांसी की रानी ने भी स्वराज्य का नारा दिया, वासुदेव बळवंत फड़के ने भी स्वराज्य का नारा दिया। वासुदेव बळवंत फड़के ही वॉज द फर्स्ट
आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी, उन्होंने भी स्वराज्य का नारा दिया 1857, स्वराज्य का नारा पड़ा है। स्वराज्य यानी कि स्वयं का राज्य। शिवाजी महाराज चाहते तो नाम क्या दे सकते थे, शिवराज्य, जैसे मुगलों का नाम से आता था जिजाऊ राज्य, शाहजी राज्य, नहीं, स्वराज्य। किसी भी व्यक्ति ने नाम लिया उसे लगना चाहिए मेरा राजा है, मेरा मेरा राज्य है। शिवाजी महाराज ने कभी नहीं कहा मेरे लिए आके लड़ो, किसी राजा के लिए आके लड़ो, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेटियों की आबरू सुरक्षित रहे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मंदिरों के ऊपर के वो झंडे सुरक्षित रहे, तुम्हें लगता है कि यदि तुम्हारे देव देवघर के देव सुरक्षित रहे, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी संस्कृति सुरक्षित रहे स्वयं की, तो आके लड़ो। स्वराज्य का मतलब वो है, उसे कहते हैं स्वराज्य। ये शिवाजी महाराज ने सिखावट दी है और प्रेरणा लेके वो गए हैं अपना स्वराज्य निर्माण करने। छत्रसाल बुंदेला के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में इनकी कहानी आएंगी, जिस समय हम नॉर्दर्न किंग्स को कवर अप करेंगे उस समय हम पढ़ेंगे। और ये प्रेरणा लेके छत्रसाल बुंदेला निकले और अब कुछ किले और लेना बाकी है, एक सर्जिकल स्ट्राइक बाकी है, खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक, 60 मावड़े लेके 2500 मावड़े गढ़ के ऊपर है, खतरनाक चढ़ गए। कौन चढ़े, कैसे चढ़े, कैसी हुई, 60 मावड़ों ने 2500 को कैसे धोया, ये देखेंगे कल।